पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे ना, वो पाकिस्तान में एक पटाखा फोड़ के बोलेगा वो इंडिया वाला आया उससे फोड़। हाँ। इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी टूरिस्ट एरिया है, इतनी अच्छी अच्छी प्लेस है, इन्होंने बंद किया हुआ है इसीलिए ना कि यार ये लोग कहीं इनको रियलिटी पता ना चल जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, निकल लिए हैं एयरपोर्ट के लिए, सुबह के बज रहे हैं 4 विद माय ब्रो चाहत पुरे। लो जी भाई आ गए हैं एयरपोर्ट, चलो गाइस निकलते हैं। हाय गाइस, हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। कैसा लग रहा है चाहत भाई? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है हमारे ट्रिप पे। तैयार है पार्टी ऑन के लिए? फुल पार्टी ऑन तैयार है। और लुक देखो भाई का, अपना दिखाओ। ये है ड्यूटी फ्री, यहाँ से अगर आपको कुछ भी लेना हो फ्लाइट से पहले तो आप ले सकते हो। भाई ये पिज्ज़ा मंगाया है हमने 3, 1500 रुपये का बिल है। ये हमारे भाई है, वेरी टेस्टी। ओके डन। अब हमारी हम जा रहे हैं फ्लाइट के गेट पर, जो कि है गेट नंबर 7। लास्ट चीज़ ये रहेगी है, बोर्डिंग होती है, इमिग्रेशन होता है, बाकी 2-4 जगह चेकिंग, और सबसे लास्ट में होता है अपना ये बोर्डिंग गेट। कैसा रहा आज का सफर? आज का सफर एक नंबर भाई। अभी तो सुबह लो अभी अर्सुन जादू ही कहता तुझे जादू। अरे पहुंच चुके हैं शारजा एयरपोर्ट, दिखने में ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है बस। बैग आ चुके हैं भाई, हमारी इमिग्रेशन हो गई है और ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे गए। तो हमने कैब बुक करी है 130 दिरहम में एयरपोर्ट से अपने होटल तक के लिए। अब हम होटल जाने लग रहे हैं। Hey guys, we are reached in Dubai with my brother Sahil Ahmed Qureshi, fitness Instagram. Okay, अब हम दुबई पहुंच चुके हैं और हम अपने होटल जा रहे हैं दोनों भाई, और हमने यहाँ टैक्सी करी है। बहुत महंगी है। और बहुत महंगी तो है, बट मैडम का लहजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मैडम है। इन्होंने हमें ड्रॉप करने वाले हैं हमारे होटल में। चलो जी चलो, होटल ले लिया है। वाह यार मस्त लग रहा है। ये अपना लिविंग रूम है और लुक तो बहुत ही ओके है होटल का। ये हमारा बालकोनी, वो वाह यार जकूजी भी है इसमें, आई लाइक इट। निकल चुके हैं भाई दुबई की गलियों में, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। गर्मी बहुत तगड़ी है, 35 डिग्री में भी दिल्ली से डबल गर्मी है यहाँ पे। क्यों भैया धूप में तो हमसे चला नहीं जा रहा था, थोड़ी दूर चलकर ये रेस्टोरेंट मिला है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है वैसे तो, सही है, चलो यहीं पर खा लेते हैं यार। हमने लिया है जी तवा चिकन 30 दिरहम का और बटर नान। भाई अपना तवा चिकन आ चुका है बटर नान के साथ, लजीज लग रहा है। गाइस यहाँ पर पैदल लोगों के लिए भी ट्रैफिक सिग्नल है, जब ये ग्रीन होगा तभी हम जा सकते हैं, वरना हमें फाइन देना पड़ेगा। भाइयों ये है अपना होटल, है आलिशान नहीं। पेट्रोल कितना चल रहा है पाकिस्तान में? पेट्रोल सरकार हो गया था इमरान खान के दौर में, हो गया था तकरीबन 300 रुपए। वह नहीं, हाँ 300 रुपए कुछ, 300 से प्लस ही था। अच्छा, तो अभी मेरे ख्याल में आया 200 समथिंग है, 7 या 8 ऐसे कुछ। तो मसला पहले आज तक कभी किसी हिंदू मुसलमान को या क्रिश्चियन को या ये जो सरदार लोग हैं कभी भी इनको आपस में लड़ते हुए नहीं देखा, पाकिस्तान की बात बता। लेकिन अगर न्यूज चैनल पे आप देखोगे तो हर बंदा यही कहेगा ओ हो ये बस न्यूज में दिखाते हैं, वैसे तो सब साथ ही रहते हैं।
हिंदुस्तान की हुकूमत ही दिखाती है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया की हुकूमत दिखाती है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये नारा गरम करके अपने वोट लेके बाद में बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं। अच्छी अच्छी बंद कर दिया इन्होंने, बंद किया हुआ है इसीलिए ना कि यार ये लोग कहीं इनको रियलिटी पता ना चल जाए। हाँ। बारह भाई साहब मैं अपने 10-12 साल का जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना उसमें मैं एक चीज बताऊँ कि मैंने यही चीज देखी भी है, बैंक सिर्फ ऊपर लेवल पे चल रहा है सिस्टम, जो गरीब है वो फंस रहा है। कोई आदमी जो है ना वो लड़ाई की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ। ना कभी उससे लड़ाई की, ये जितनी भी लड़ाई होती है एक तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया के हद तक है। हाँ हाँ, सोशल में भी कुछ नहीं है, सच बात है। बाद में अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे ना वो पाकिस्तान में एक पटाखा फोड़ के बोलेगा वो इंडिया वाला आया उसे फोड़। हाँ। इंडिया में इलेक्शन चलते होंगे इंडिया में एक पटाखा फोड़ के बोलेंगे वो पाकिस्तानी का आया उसे फोड़। लोग दोनों साइड के अच्छे है बस सरकार की वजह से, बस यही चीज है, कोई एक अच्छा लीडर नहीं मिला हमें। सच बात, दोनों साइडों पे जी। कश्मीर का तो इश्यू ही कुछ नहीं है, कश्मीरियों को बिठाओ आगे रेफरेंडम करवाओ, पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिया के साथ, या आप अपना एक रियासत करवाना चाहते हो इंडिपेंडेंट। हाँ। डालो तीन पर्चियां जिसके नाम पे निकल आया ज्यादा, चलो भाई वहाँ पे एक रेफरेंडम करवा दो, खत्म करो। क्यों आप अपनी 10-12 लाख फौज इंडिया ने घुसाई हुई है, 2-4 लाख पाकिस्तान ने घुसाई हुई बॉर्डर, इतना पैसा हम लोग, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, अगर करना चाहे तो क्लियर कर सकते हैं भाई, बहुत इजीली हो सकता है यार, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप दिल से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो खत्म करना चाहो, अगर ना करना चाहो तो वो सारी जिंदगी आप बोलोगे नहीं यार मैं तो करता हूँ वो नहीं करता, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो करता हूँ यार वो नहीं। आज तो पूरा दिन बस खाने पीने में ही निकल गया और सोने में निकल गया, आज कुछ करा ही नहीं यार। तो हुआ यूँ कि मैं अपना चप्पल लाना भूल गया दिल्ली से ही, तो फिर अब मैंने यहाँ पर ये सुपरमार्केट देखी है, अब यहाँ चप्पल ढूंढ रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि ये 24 आवर्स के लिए खुली रहती है, सब चीज़ मिल रही है यहाँ पे, सस्ती भी है ठीक है। और ये मिली है मुझे भाई 10 दिरहम की। थोड़ी आगे चलते ही हमें ये हुक्का कैफे मिल गया है, अब हम यहाँ बैठे हैं और हुक्का पियेंगे।